तुम इस पृथ्वी के हिस्से हो, इससे उत्पन्न हुए हो। यह विश्व तुम्हारा है। तुम इस सुंदर अस्तित्व का एक हिस्सा हो। इस अस्तित्व को तुम्हारी जरूरत है, अन्यथा तुम यहाँ ना होते। तुम अकारण नहीं हो। तुम्हारा होना इस अस्तित्व को पूरा करता है। तुम नहीं होगे तो कुछ अधूरा रह जाएगा। तुम्हारा एक पात्र है जो तुम निभा रहे हो। तुम्हारा ना होने के कारण यहाँ एक रिक्तता हो जाएगी। और अस्तित्व ने तुम्हें वैसा ही बनाया है जैसा तुम होने चाहिए, तुम्हारे असली स्वभाव में, तुम्हारे खुद के रूप में, जिसमें तुम खेलोगे, और जो खेलना अपने में पूरी तरह से यूनिक होगा। इसलिए कभी भी खुद को किसी और के रूप में बदलने की कोशिश मत करना। डोंट इमिटेट और कॉपी। दूसरों से प्रभावित होकर अपने स्वभाव को मत भूल जाना। इंस्पिरेशन आर डेंजरस बिकॉज इट मेक्स यू अ रोबोट। नहीं, अस्तित्व हर एक को उसके अपने स्वरूप में चाहता है। कभी भी किसी और बनने की कोशिश मत करो। इस सत्य को देखो कि तुम अपने स्थान पर हो, जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम कोई अजनबी नहीं हो। तुम एक्सीडेंटल नहीं हो। तुम आकस्मिक नहीं हो। तुम अंतर्निहित रूप से आवश्यक हो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता ये महसूस करना है कि तुम्हारी आवश्यकता है। रिमेंबर, लाइफ नीड्स यू। और अगर तुम ये महसूस कर सको कि पूरा अस्तित्व तुम्हें चाहता है, तो तुम अत्यंत आनंदित होगे। तुम उत्साहित महसूस करोगे। अगर तुम ये महसूस कर सके कि पूरा अस्तित्व तुम्हें चाहता है, कि तुम्हारे बिना एक रिक्तता होगी, तुम्हारी कमी खलेगी, तो तुम्हारी प्रसन्नता का कोई अंत नहीं। सो रिमेंबर, यू आर नीडेड एंड यू आर इम्पॉर्टेंट। इसलिए खुद से प्रेम करो। तुम उतने ही आवश्यक हो जितने कि पेड़, फूल, पक्षी, सूरज, चांद, तारे। तुम्हारा यहाँ होना आवश्यक है, और तुम जैसे भी होना चाहते हो, तुम्हें अधिकार है पूरा वैसे होने का। प्रभु का प्रेम अनंत है। इस सत्य को समझना और अपने जीवन को अधिक समृद्ध बनाना, जीवन को उसके पूरे स्वीकार में जीना, और ये जानना कि तुम अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा हो। प्रणाम।